नमस्कार, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। एकम कसोटी चार ने ध्यान में लई अने बे एक प्रश्नों की चर्चा करी है, कारण के घणा तमारा विद्यार्थियों की मने रिक्वायरमेंट आई रही है कि आ बे क्वेश्चन की जरा सॉल्यूशन आपो। तो एमां पहलो ज क्वेश्चन है एकम कसोटी चार जीव विज्ञान के स्मॉल ए ए कैपिटल बेबी कैपिटल सी स्मॉल सी जनीन प्रकार धरावत सजीव है, एट्ल के त्रिकीय सजीव है। तो एम के प्रकार जन्यु ए सर्जन करी शकाय छे? ऑप्शन में छे बे चार त्रण के छ। हवे नॉर्मली शोधी शकाय के बे गेमेट निर्माण थई शके, साचो जवाब छे बे। पर आवो कोई क्वेश्चन आवे, आ नीट लेवल नो क्वेश्चन छे, तमने बुक माथी आवो नहीं मळशे, तो ए केवी रीते सोल्व करवानो? तो जरा जुओ अहींया, तो आपणने जे सजीव आपेलो छे एनी अंदर एनु त्रिकीय स्वरूप जे आम छे, शू कहवाय के त्रिकीय, कारण के त्रण प्रकारना एनी अंदर शू कहवाय जनीनो आवेला छे, जे जोड़मां छे। हवे एनी अंदर स्मॉल ए ए ए समयुग्मी कहवाय, कैपिटल बी बी समयुग्मी कहवाय, अने कैपिटल सी अने स्मॉल सी आ विषमयुग्मी कहवाय। हवे एक सूत्र छे तमारे याद राखवानुं, टू रेस टू एन, ज्यां एन ए विषमयुग्मीनी संख्या गणवानी थाय। तो आ त्रिकीय स्वरूपमां विषमयुग्मी छे ए विषमयुग्मीनी संख्या केटली छे? एक ज। तो एटला माटे टू रेस टू वन जवाब आवे छे बे, अने आथी आपणो केटला जन्यु सर्जन थशे एनो जवाब छे बे, बराबर। मानो कि हूँ थोड़ोक चेन्ज करूँ छूँ प्रश्न, आ प्रश्न कदाच पूछाय तो तमने कि अहीं कैपिटल ए आवेलो होय तो आ विषमयुग्मी बन्यू, पाछळनी जोड छे ए विषमयुग्मी बनी, तो विषमयुग्मीनी संख्या थई बे, तो जन्यु केटला सर्जन थई शके भाई? तो चार, चार जन्यु सर्जन थई शके। हूँ त्रीजो एक ऑप्शन आपू छू कि आनी अंदर कैपिटल बी स्मॉल बी एटले कि कुल त्रण जग्याए विषमयुग्म हता, एक बे अने त्रण, तो ए टू रेस टू एन, एननी जग्याए त्रण लखवा पड़े, तो एन टू रेस टू थ्री, मतलब कि केटलो जवाब आवे? आठ। तो आठ जन्यु निर्माण थई शके, परंतु आपणने पूछ्यो छे पहेलो प्रकार, एटला माटे आपणो जवाब आवे छे बे। चलो आ प्रश्ननुं सोल्यूशन मळी गयुं हशे। ज्यारे पण आवा कोई क्वेश्चन होय तो एनी अंदर तमारे टू रेस टू एननी थियरी એ મૂકી દેવાની, ફટાફટ જવાબ મળી જશે। તમારે ખાલી એટલું શોધી લેવાનું કે વિષમયુગ્મતા કેટલી જગ્યાએ છે। આપણા પ્રશ્નની અંદર કુલ એક જ જગ્યાએ વિષમયુગ્મતા છે તે અહીંયા છે। ચલો બીજો એક ક્વેશ્ચન છે, સો ઇઝી એ પણ। રંગ અંધ રણવીર, તે રંગ અંધ નથી તે શીલા સાથે લગ્ન કરે છે, આ ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, મેં થોડોક શોર્ટમાં લખી કાઢ્યો છે। તો એના પુત્રની રંગ અંધની ટકાવારી શોધો। ચાર ઓપ્શન છે, 100%, 50%, 25% के 0%। मैं ये वंशावली पण दोरी छे। हवे एनू शू कहेवाय के रंगसूत्रनुं बंधारण जोईए, तो आ रणवीर छे। चलो ओके, रणवीर अने आ छे शीला, जेनी अंदर ए शू कहेवाय के रंग अंध नथी एटले कैपिटल सी मैं मारेलो छे। तो एना चार बंधारणमां आवशे, तो बे पुत्री के जेनी अंदर स्मोल सी कैपिटल सी, स्मोल सी कैपिटल सी बंने ए केवा बनशे? तो वाहक। तो चलो मैं एना सिम्बोल मारी लीधा, बन्ने वाहक बने। ज्यारे बे पुत्रो आवशे जेनी अंदर थी बन्ने पुत्रो ए कैपिटल सी मेळवे छे, कारण के शीला छे ए शीला केवी छे? तो शीला छे ए रंग अंध नथी, तो एटला माटे कैपिटल सी बन्ने पासे छे, तो कैपिटल सी नो वाई साथे जोडाण थता बन्ने पुत्रो ए रंग अंध ना होय ए प्रकारना सर्जाई शके छे, मीन्स के आवा। तो बन्ने पुत्रोनी अंदर બરાબર પુત્રની રંગ અંધની ટકાવારી કેટલી? તો પુત્રની રંગ અંધની ટકાવારી કેટલી આવે? 0%, એક પણ પુત્ર રંગ અંધ બનતો નથી। તો આ બે પ્રશ્નો એનું સોલ્યુશન મેં અહીંયા આપ્યું છે। આવા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવે તો આ રીતે સેટિંગ કરી અને તમારે એના જવાબ આપવાના રહેશે। બંને પ્રશ્નો સારા હતા, નીટ લેવલના હતા, એટલે મને ચર્ચા કરવાનું યોગ્ય લાગ્યું। ઓકે, બીજા કોઈ એવા પ્રશ્ન હોય તો મને કહેજો, તો આપણે આ રીતે સોલ્યુશન આપીશું।